नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के वरिष्ठ पत्रकार व उपजा के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह। अरविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे आपकी खबरें बहुत वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री जब दोबारा प्रधानमंत्री बने और सांसद बनेंगे तो आप 1.25 किलो का सोने का बना मुकुट संकट मोचन में हनुमान जी को चढ़ाएंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैंने संकल्प लिया है कि मेरे काशी के सांसद दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं संकट मोचन हनुमान मंदिर में 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट चढ़ाएंगे। खबर तो ये भी वायरल है कि 400+ सीट अगर नहीं आएगी तो क्या आप चढ़ाएंगे नहीं मुकुट की चढ़ाएंगे? जहाँ तक संकट मोचन हनुमान जी मंदिर की बात है तो बाबा पर मुझे पूरा विश्वास है और NDA 400+ जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने कहा है कि धन बचाने के लिए प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं लेकिन 400+ पे उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति नहीं दी है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे काशी के सांसद भी हैं और भविष्य में प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने पर ही मैं 1.25 किलो स्वर्ण उनको चढ़ाऊँगा। अरविंद जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है तो बनारस में बदलते बनारस में आपको क्या दिखा है उनका कार्यकाल इन 5 सालों में कि कितना बदला है बनारस? अगर आप आज़ादी के बाद देखेंगे तो जितने भी सांसद काशी के हुए हैं किसी भी सांसद ने 1000 करोड़ रुपये का योजनाओं का कार्य नहीं कराया है। पहले ये सांसद हुए जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हुए। जहाँ देश का मान सम्मान बढ़ा है वहाँ काशी का भी मान सम्मान बढ़ा है। काशी को कैंसर संस्थान मिला है, काशी को फैसिलिटी सेंटर मिला है, काशी को एयरपोर्ट रोड जो आज विश्व की अच्छी रोडों में मानी जानी जाती है। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काशी के लिए एक ऐसा काम किया है जो कि इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गए हैं और वो काम है विश्वनाथ कॉरिडोर। बाबा विश्वनाथ की महिमा जब भी गाई जाएगी उसमें इनका नाम इतिहास में दर्ज होगा कि जो सकरी गलियां थी उसको इतना विस्तार दे करके जो असंभव थी नामुमकिन उसको मुमकिन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ही द्वारा किया। कि जो मोदी भक्ति है तो आपको क्या सरकार से इसका बेनिफिट चाहिए कि मतलब मैं 1.25 किलो का सोना चढ़ा रहा हूँ भगवान को तो मुझे मोदी जी की तरफ से कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी हमारे सांसद हैं और मेरी इच्छा है वो पुनः बने जिससे देश का मान सम्मान बढ़े। इसलिए मैं संकल्प लिया हूँ और इच्छा मतलब पूर्ण विश्वास है मुझे कि वो पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको पूर्ण बहुमत मिलेगी तथा 400+ के पार भी जा सकते हैं। ये मुझे संकट मोचन हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले 5 सालों में भारत विश्व मंच पर जो मान सम्मान पाया है, भारत आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में जो संपन्न हुआ है और गरीबों के लिए जो योजनाएं लाई गई है, उन सब चीज़ों को देख करके मैं कह सकता हूं कि मेरे सांसद के प्रति अगाध प्रेम है। और प्रेम के साथ ये भी कहूंगा कि वो पुनः प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूं, इसलिए संकट मोचन हनुमान मंदिर का भक्त होने के नाते उन्हें 1.25 किलो का स्वर्ण मुकुट चढ़ाना चाहता हूं। बनारस में प्रधानमंत्री पहली बार चुनावी मैदान में है, ये इतिहास बनने जा रहा है। और प्रधानमंत्री दोबारा सांसद और प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी इतिहास बनेगा। और वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार उनके दोबारा प्रधानमंत्री और सांसद चुने जाने पर संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी को स्वर्ण मुकुट चढ़ाएंगे, ये भी अपने में एक इतिहास बनेगा। आप देख रहे थे क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। पूजा कपूर, क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज, वाराणसी।